हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। हमने लिक्विड नाइट्रोजन को अंडरग्राउंड डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाली थी और वो जो है जितना हमने सोचा था उससे भी खतरनाक और तगड़े तरीके से बाहर निकल के गई थी। एक मिट्टी का गुबार बन गया था। सोचो इतने बड़े बड़े जो मिट्टी के दाने होते हैं, जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उनका, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ ऐसी चीज़ के साथ किया जाए जो कि वास्तव में बहुत धमाका कर सकती है, बहुत मस्त तरीके से उड़ सकती है। और भाई गुलाल से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारा गुलाल, यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी नाइट्रोजन। अंडरग्राउंड तो नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब एक बाल्टी के अंदर ले करके लिक्विड नाइट्रोजन को उसमें डालेंगे गुलाल, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। और देखते हैं किस तरीके से वो फैलता है। सिंपल चीज़ें हैं, लिक्विड नाइट्रोजन है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और साथ में गुलाल है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिए। तो भाई गुलाल यहाँ पर तैयार है। अब लिक्विड नाइट्रोजन निकालते हैं दूसरे टब के अंदर जिसमें ये डालेंगे। अब डालते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को इस बड़े टब के अंदर और तैयार करते हैं यहाँ पर मामला। और भाई साहब ऊपर धूप है लेकिन नीचे एकदम ऐसी ठंडक मिली। ये नाइट्रोजन इसमें डालते हैं कि पूछो मत। तो भाई यहाँ पर जो पूरा टब है वो नाइट्रोजन से भर चुका है और अब बारी है इसमें गुलाल डालने की और धमाका देखने की कि क्या यहाँ पर होता है। और आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये जो नाइट्रोजन है स्किन वगैरह पे बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। हम जो है बहुत सावधानी से पूरी जानकारी के साथ में चीज़ें कर रहे हैं, प्लीज़ ट्राई मत करना। तो अब डालते हैं गुलाल और करते हैं धमाका। गाइज यहाँ पर सेफ्टी भी काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए मैं हेलमेट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई पता नहीं है कि कितना ज़ोर से हो जाए, हो सकता है कुछ फट जाए ये टब भी, क्योंकि भैया ये नाइट्रोजन है एकदम ठंडी और गुलाल है एकदम गर्म, तो इसलिए रिस्क नहीं लेने का, आँखों में नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और इसमें डाल रहा हूँ। सब लोग रेडी हैं? हाँ। ठीक है, इन 3, 2, 1। वो क्या बात है। अरे यार चारों तरफ फैल गया, मैं थोड़ा सा और आराम से डाल सकता था ना। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो गुलाल है वो किस तरीके से चारों तरफ फैला है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं उड़ा, बट स्टिल इससे निकल करके भागा। और देखो एक बार गुलाल जब लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर गया है, एक बार पास आके दिखाओ, देखो ये किस तरीके का जो है दिख रहा भी। वाह यार, कैमरा इसमें डालो ना एक बार। और गाइस यहाँ पर आप लोग देखो कि ये किस तरीके से इसमें बॉइल कर रहा है भाई साहब गुलाल। लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पर रेड कलर की हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा सा और ध्यान से डालते हैं और बढ़िया से डालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या इस बार ये जो है भग सकता है या नहीं भगेगा। इस बार ग्रीन कलर लेते हैं। तो भाई इस बार हमारे पास में ग्रीन कलर, साइड में बैठूंगा और डाल दूंगा एक साथ। भाई साहब देखो एक बार नज़ारा देखो आप लोग, यहाँ पर जो है बादल बन रखे हैं, साथ में कलर भी मिक्स्ड है और ये किस तरीके से उड़ रहा है। तो भाई इस बार थोड़ा सा पर्पल कलर है हमारे पास में, वो डालते हैं। ओ
शिट भाई साहब, पर्पल के बाद में जैसे ही हमने इसके अंदर पिंक कलर डाला, पूरा कहां तक भग गया, क्या बात है। और मुझे लगता है कि अब ये कलर की क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। मैंने ये डाला, थोड़ा सा उड़ा, जैसे ही भाई पिंक डाला, पूरा कहां तक चला गया यार, क्या बात है। और अब ये जो है बिल्कुल काला हो गया, लेकिन थोड़ी सी नाइट्रोजन इसमें अभी भी बची है, इसके थोड़े मजे और ले सकते हैं अपन लोग। लेकिन यार देखो एक बार, क्या बात है, यहाँ पर जो है एकदम मस्त जो कलर है वो फैल गया है। और एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, ये जगह एकदम खाली है, और जो गुलाल है उसके अंदर मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मिट्टी के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं करती, तो ये इसी मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें एक कलर वो डालते हैं। तो भाई इस बार जो है मैं बड़ा वाला भर के ले आया हूँ पिंक कलर का, और देखते हैं इस बार क्या होता है। तो थोड़ी बहुत नाइट्रोजन नीचे बची हुई है बस, देखो देखो ये उड़ रहा है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। गुलाल एकदम ठंडा हो गया है, मेरे को ग्लव्स में भी फील हो रहा है, देखो अभी कैसे उबल रहा है। और गाइस जो ऊपर गया था ना भाई साहब, वो तो खतरनाक था। मैं क्या किया कि सारा का सारा इसमें डाल के भग गया, पूरा का पूरा एक झटके में ये इसमें गया, ऊपर पूरा गुबार गया पिंक कलर का, काफ़ी शानदार नज़ारा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। देखो शुरुआत हुई कम से, तब हमको भी नहीं पता था कि ये कैसे दूर फेंकेगा, दूसरी बार में हमने थोड़ा ज़्यादा डाला और अच्छा रिस्पॉन्स आया, और जब लास्ट में हमने पूरा डाल दिया जबकि नाइट्रोजन भी कम थी यार, फिर भी कहाँ फेंक डाला, सारा का सारा कलर उड़ा डाला। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, आया है तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए, एंड प्लीज़ डोंट ट्राई एनीथिंग शोन इन दिस वीडियो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हम भी चलते हैं अपने घर, क्योंकि भैया गर्मी में यहाँ पर वीडियो बना रहे, बहुत ज़्यादा धूप है। चलो बाय, हैव ए गुड डे।